नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यजवेंद्र चहल संन्यास लेने के मूड में है, आप सुनकर ये चौंक गए होंगे। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, जबकि चहल ने एक पोस्ट करते हुए ये खुद बताया है कि वो ऐसा लग रहा है कि अब आईपीएल 2022 में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। हालांकि चहल ने ये बात इस मायने में कही है कि वो आईपीएल 2022 में आरसीबी के साथ नहीं दिखाई देंगे। आपको बता दें कि आरसीबी ने चहल को रिटेन नहीं किया है। आरसीबी ने जिन तीन खिलाड़ियों को रिटेन किया है उसमें पूर्व कप्तान विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज का नाम शामिल है। ऐसे में उन्होंने अपने दिग्गज लेग स्पिनर को छोड़ दिया है। ऐसे में जब चहल को आरसीबी ने रिलीज किया तो ऐसे में पहली बार चहल इस पूरे मामले पर बयान देते हुए नजर आए और काफी भावुक होते हुए उन्होंने कहा, 8 साल तक आरसीबी टीम का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। इसमें कई यादें हैं। मैं एक क्रिकेटर के रूप में अपने बेस्ट टाइम के साथ रहा। अविस्मरणीय यात्रा। इस टीम में 8 साल लंबे अद्भुत वर्षों तक रहने से मुझे अपार अनुभव मिला। कई मील के पत्थर तक पहुंचे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे वह परिवार दिया जो हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में चाहता है। हम केवल खेल सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम और मेरे प्यारे फैंस आपको याद करेंगे। मुझे प्यार करने और सपोर्ट करने के लिए फैंस का थैंक यू। दूसरी तरफ मिलते हैं तो चहल ने इस पूरे बयान में ये बता दिया कि वो अब आरसीबी के साथ नहीं जुड़ने वाले हैं और आईपीएल 2022 में वो नई टीम के साथ दिखाई दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने आरसीबी और आरसीबी के फैंस को खूब ढेर सारा शुक्रिया भी कहा है और साफ कहा है कि जो प्यार आरसीबी और बंगलोर के लोगों ने दिया है वो बेहद ही शानदार और काबिले तारीफ रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि आईपीएल 2022 में यजवेंद्र चहल किस टीम से खेलते हुए नजर आते हैं।